नमस्कार दोस्तों, बी टाउन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बी टाउन हब चैनल में आज हम बात करने वाले हैं गजल अलग के जीवन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, गजल अलग वो एक महिला बिजनेसमैन है जिनका जन्म 2 सितंबर 1988 को गुड़गांव हरियाणा में हुआ था। उनके पिता का नाम कैलाश साहनी, उनकी मां का नाम सुनीता साहनी, भाई का नाम चिराग साहनी और बहन का नाम साहिबा चौहान है। और गजल की भी शादी हो चुकी है। उनकी शादी 28 जनवरी 2011 को वरुण अलग से हुई थी जो मामा अर्थ ब्रांड के सह संस्थापक है। गजल ने पंजाब यूनिवर्सिटी से BCA किया है। वो अपने समर इंटेंसिव कोर्स के लिए स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स में शामिल हुई और अलंकारिक कला में एक गहना पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ आर्ट में भाग लिया। और 2016 में उन्होंने अपने हस्बैंड वरुण अलग के साथ होनाशा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड मामा अर्थ की स्थापना की। और हाल में गजल अलग शार्क टैंक सीजन 2 में दिखाई दे रही है। 2016 में गजल अलग और उनके हस्बैंड ने मिलकर मामा अर्थ नामक एक बेबी केयर उत्पादक कंपनी की स्थापना की और उन्होंने सभी प्रकार के त्वचा देखभाल उत्पादकों को अभी कवर कर लिया है जो 100% कार्बनिक है। 4 से 5 सालों के भीतर ये भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाले FMCG में से एक बन गया है। कंपनी ने बेबी केयर प्रोडक्ट के साथ अपनी सफर शुरू की और बाद में पर्सनल केयर ब्रांड के रूप में विकसित हुई। साल 2019 में उनका टर्नओवर 70.9 करोड़ रुपए था जो 2020 में बढ़कर 112 करोड़ रुपए हो गया। तो दोस्तों, यही सफर था गजल अलग के जीवन के बारे में। आपको कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे।